चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे रोजनामचा के लाभ या महत्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा रोजनामचा होता क्या है, उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य या कार्य। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है रोजनामचा के लाभ और महत्व के बारे में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं रोजनामचा के लाभ या महत्व। रोजनामचे का प्रयोग कई देशों में समाप्त हो गया है, क्योंकि इसका कार्य सहायक पुस्तकों के द्वारा हो जाता है। पुनः बिना रोजनामचा के भी खाता बही में प्रविष्टि की जा सकती है। फिर भी कुछ देशों जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया व रूस में जर्नल का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। रूस में तो स्थिति यह है कि न्यायालयों में केवल जर्नल के प्रमाण पर व्यापारिक झगड़े तय कर दिए जाते हैं। यह तथ्य रोजनामचा या जर्नल के महत्व को स्पष्ट करता है। मतलब ये रूस में बिना जर्नल के व्यापारिक झगड़ों का निपटारा नहीं होता है। मतलब जर्नल के प्रमाण पे ही व्यापारिक झगड़े तय कर दिए जाते हैं। चलिए अब इसके महत्व को देखते हैं संक्षेप में। पहला, तिथिवार लेन देनों का विवरण प्राप्त होना। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि तिथिवार की जाती है, अतः लेन देनों का पूर्ण विवरण तिथिवार मिल जाता है। दूसरा, खतौनी की सुविधा। जर्नल से खाता बही में खोले गए विभिन्न खाते में खतौनी करने में सुविधा होती है। वैसे तो वेस्ट बुक्स से सीधे ही लेजर में लिखा जा सकता है, परंतु उसमें कठिनाई हो सकती है। तीसरा, लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि के साथ साथ सौदे का संक्षिप्त विवरण व्याख्या के रूप में दिया जाता है, फलतः लेन देनों का पूर्ण विवरण एक स्थान पर मिल जाता है। चौथा पॉइंट, अशुद्धियों की कम संभावना। जर्नल में सौदे के दोनों रूपों यानी डेबिट या क्रेडिट की प्रविष्टियां साथ साथ की जाती हैं, इससे अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। ये था जर्नल या रोजनामचे के लाभ व महत्व। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।